आजा तेरी बात थी। आजकल कुछ नए और उभरते कलाकार की तरफ ते हरियाणवी ओल्ड स्कूल आले नीतू भाई के सपोर्ट में ढंडा न्योड़ी आले पे कुछ डिस्ट्रैक देखे गए हैं, जिनकी बात इस वीडियो में करांगे और साथ में एक ही से कलाकार की कला की बात करांगे जिसके ढंडा न्योड़ी आले गैल कुलैब में गाना आया है। पर जब ढंडा टीम और नीतू गिल के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी हुई है चैनल डिलीट आली, तो इसके बाद इस कलाकार ने स्टोरी लगाई है जिसमें हरियाणवी ओल्ड स्कूल सपोर्ट करया है और साथ में जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बताया है। और इनके साथ में हरियाणवी सिंगर और राइटर बिंटू पावड़ा ने भी अपनी लेटेस्ट पॉडकास्ट जो कि विग सिनेमा चैनल पाई है उसमें भी हरियाणवी ओल्ड स्कूल सपोर्ट करया है और उस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का लिंक भी दिया गया है। तो इन सारी चीजों की बात आज की इस वीडियो में करांगे। तो वीडियो में सवादान आला है, चलो इसने शुरू करा। तो सबसे पहला MT-35 की बात कर ले हाँ, जो कि KD की जब SSSP का कुलै वाला गाना आया था तो उसमें जो 6-7 कलाकार थे उनमें एक कलाकार यो भी था। और इसका कुछ दिन पहला इसके खुद के चैनल पर तय डिश टू ढांडा न्योड़ियाला करके एक नया गाना रिलीज होया है जो कि एक हिप हॉप ट्रैक है और थोड़ा सा चेक भी कर सको हो। इस गाने में RP सिंह के ढांडा पर रिप्लाई वाली बात और उसका जवाब ना दे पाने वाली बात, KD की गेल फेक कॉन्ट्रोवर्सी वाली बात, नीतू गिल का सपोर्ट और साथ में और भी घनी बात करी गई है जो कि पूरे गाने में सुनोगे जब सुनने मिलेगी। इस गाने में जो बार्स का थ्रो था वो भी बढ़िया था, तो एक भी इस गाने ने चेक कर सको हो। फिर इसके बाद एक गाना सपोर्ट टू हरियाणवी ओल्ड स्कूल नाम से भी रिलीज कराया गया है। और कलाकार है असनगढ़ आला और इस गाने में भी ढांडा न्योड़ी आले पे कुछ शॉट्स लिए गए हैं। यो गाना थोड़े ही सॉफ्ट तरीके से प्रेजेंट किया गया है और जो बात है वे सीधी और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी गई है। और जिस तरीके से जितने कम टाइम में यो पूरा का पूरा गाना बना के अपलोड किया गया है तो उस चीज ने देखा तो यो गाना काफी बढ़िया तैयार हो रहा है। हाँ, अगर इस पर टाइम लगाया जाता तो और बढ़िया हो सका था, पर यो गाना जल्दी रिलीज किया गया था। इनके बाद भी तीसरे कलाकार की बात कर ले जिसका जगरा शुरू में भी आपा कर रहे थे, तो इसका नाम है खोजी। और जब हरियाणा के सब तक गहराई में गाने लिखने वाले कलाकार की बात आवे है तो उसमें अगर खोजी का नाम टॉप के कलाकार में गणा तो उसमें कोई भी डाउट ना हुआ। और जब थोड़ा बहुत डाउट थमने लग गया है तो फिर थमने इसके गाने ढंग से चेक करके उन्हें समझने की कोशिश ना करी है। एक बार रेत मुरीद और उस टाइम का कोई सा भी गाना चेक कर लो, सब में इसकी यह कला दिखेगी। ये गाने 2-3 साल पहला की है और फिर इसके बाद 1-2 साल तक खोजी भाई म्यूजिक इंडस्ट्री तक थोड़ा गायब सा हो गया था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। खोजी का इल्जाम नाम था ढांडा न्योड़ियाली के गैल भी एक गाना आया था जिसमें खोजी ने सिंगिंग करी थी और ढांडा न्योड़ियाली का रैप था। अरीब खोजी फिर तय म्यूजिक इंडस्ट्री में दिखा है। अरीब के ने जो गाने बनावे है वे थोड़े ही अलग डाल के उनमें थोड़ी शायरी सी चाल है, मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक है और उन पर कुछ शायरी चाल है, वे एग्जैक्टली गाने की फॉर्म में कोन्या जिस तरीके तापा गाने ने मान्या करा वे उसे कोन्या। इब मैं वह ढांडा नित्तू वाली बात कर रहा था तो उस चीज पे खोजी ने भी 2 पोस्ट घेरी थी जो कि अलग अलग टाइम पर आई थी, जो कि तुम वीडियो ने पोज करके पढ़ सको हो, आड़ेसी तुमने देखती भी होगी। इनके साथ में हरियाणवी सिंगर और राइटर बिंटू पावड़ा ने भी भूपेंद्र वाली पॉडकास्ट यानी कि वेग सिनेमा चैनल पर जो पॉडकास्ट आई है उसमें नीतू भाई ते पूरा सपोर्ट दिखाया है। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं, बताओ भाई खातर ओल्ड स्कूल हरियाणवी चैनल है हाँ, तो भाई का चैनल किन्हीं कारणों से डिलीट हो गया तो भाई ने सपोर्ट करो भाई ने भी, और नए चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो लिंक दे दूंगा, तो जाओ थोड़े सब्सक्राइबर और बढ़ाओ। इस वीडियो में तो इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की गेल। इतने राम राम।